बात करते हैं। ललित मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम्स। हमारे साथ आशुतोष बिश्नोई इस समय मौजूद है, मिस्टर मलिक इनफैक्ट, आई एम सॉरी, आशुतोष जी भी हैं हमारे साथ फ्रॉम महिंद्रा म्यूचुअल फंड, और उन्होंने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू दिया कि डीमोनेटाइजेशन के बाद ये डर कॉन्स्टेंटली बना हुआ था कि वॉल्यूम्स इम्पैक्ट होंगे, ऑफटेक घटेगा। आपके जो क्यू फॉर नंबर्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, कैसे वॉल्यूम्स आपने देखे हैं, और साथ ही अगर हम डिमांड वाइज भी देखें, यू नो रीजन वाइज अगर हम देखें डिमांड को, तो ये किस तरह की रही है बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केट, स्प्लिट कैसा रहा है? सो एज फार एज इंडिया एफएमसीजी इज कंसर्न, देयर इज अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ अराउंड 2.4%। एज फार एज द रूरल एंड अर्बन इज कंसर्न, रूरल हैज अ बेटर स्टेडी ग्रोथ, इन द अर्बन मॉडर्न ट्रेड इज ग्रोइंग फाइन, बट द जनरल ट्रेड वी हैव सीन सर्टन decline in the overall sales for the quarter. जी मिस्टर मलिक, जो margins हैं quarter four में, वहाँ क्या picture रही है, और specially जो trend रहेगा margins को लेकर आने वाले quarters में, वो कैसे expected है, keeping in mind कि 1 जुलाई से GST rollout भी due है? If you look at our operating ratios as well as EBITDA, our margins have improved compared to last year. And going forward, we do expect to maintain the margins as we enter into the न्यू फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 17-18। इस बीच जीएसटी भी रोल आउट होने वाला है, इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं कंपनीज पर, वॉल्यूम्स पर? वेल आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच द इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द रेट्स एंड द क्लासिफिकेशंस दैट विल कम इन वेरी सून। वी डू एक्सपेक्ट द जीएसटी ओवरऑल विल बी बेनिफिशियल टू द इंडस्ट्री एंड टू द कंज्यूमर एट लार्ज, बट इन द शॉर्ट टर्म ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड दैट मे बी सम temporary impact of that, which will depend a lot on the final clarity with regard to the rates and the classification, which is likely to come very soon. इस बीच चलिए एक अच्छी खबर ये भी है कि निफ्टी ने अभी भी 9350 का लेवल हिट किया है, तो जो आज जो हम बात कर रहे थे कि इन लेवल्स पर नजर रहेगी, वो देखिए वही हुआ है, 9350 के आसपास निफ्टी इस समय अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कमिंग बैक टू डाबर सर, जो नए प्रोडक्ट के लॉन्चेज हैं उसकी प्लान क्या है आपके, कंसिडरिंग दैट समर एक अच्छा कैचमेंट सीजन होता है स्पेशली ऑन द बेवरेज फ्रंट? वेल वी सर्टनली हैव लॉट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन द पाइपलाइन। वी हैव करेंटली लॉन्च रेड जेल, वी हैव ऑल्सो लॉन्च ब्रह्मी आमला, एंड वी डू हैव सर्टन मोर प्रोडक्ट्स इन द पाइपलाइन, बट वी विल वेट टू सी द करेक्ट मार्केट सिनारियोज एंड प्रोबेबली पोस्ट जीएसटी वी विल कम आउट विद दोज प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनारियोज। जी मिस्टर मलिक, नए लॉन्चेस के साथ साथ क्या कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं, कुछ नए मार्केट्स जहां पर आप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हो? Well, I think we have recently started our operations in Iran, which we have also mentioned in our disclosures that we have done for the quarter four. And also we have acquired in South Africa a manufacturing base where we are going to localize our manufacturing. So we will be expanding the markets, we will be expanding the portfolio in the existing market to expand our sale and to gain the market share in these respective markets. इस समय जिस तरह के रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, आपका प्लान क्या है प्रोडक्ट प्राइसेस के ऊपर? Well, I think depending upon the inflationary pressures that we'll have on our raw material, we will certainly be increasing the prices, but selectively wherever we see the impact of inflation on our raw material and our cost going up, we will selectively increase our pricing. चलिए शुक्रिया मिस्टर मलिक, आपने बातचीत की जी बिजनेस से और अर्निंग्स पर आपने लैबोरेट किया। अगर स्टॉक को देखें डाबर के, तो वो 287 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आशुतोष बिश्नोई भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि एमडी और सीईओ हैं महिंद्रा म्यूचुअल फंड के। मिस्टर बिश्नोई